हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम फैबेसी की तीसरी सब फैमिली पढ़ने वाले हैं जो है माइमोसिडी। तो ये जो सब फैमिली है ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और औरों के लिए भी हो सकते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सब फैमिली माइमोसिडी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पर ये फैमिली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए ये जो है ग्रीक शब्द से निकला है, ग्रीक शब्द मिमोस का मतलब होता है मिमिक, यानी कि सेंसिटिव लीव्स, यानी कि ऐसी सब फैमिली जिनकी जिसमें जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनकी लीव्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं तो उन्हें माइमोसिडी के अंदर रखा गया है। इसे अकेसिया फैमिली भी कहा जाता है। इसके अंदर 56 जेनेरा और 2800 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है और भारत के अंदर इसकी 90 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट जो है वो इसका कैसा है, देखिए ज़्यादातर जो इसके मेंबर हैं वो ट्रीज हैं जैसे अकेशिया, लेकिन कुछ श्रब्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं जैसे माइमोसा हमाटा एंड डाइक्रोस्टेकिस। ठीक है, कुछ वुडी क्लाइंबर्स हैं जैसे एंटेट एंड कुछ हर्ब जैसे नेपचूनिया एंड मिमोसा पुडिका जिसे झुई मुई कहते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। रूट्स की बात करें तो इनमें ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टेम जो है इनका इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड सॉलिड वुडी अनब्रांच्ड होता है। तो अनब्रांच स्टेम जो इनके अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है ल्यूसिनिया एंड एडिनान थेरा के अंदर। ठीक है, लीव्स जो है इनकी स्टिपुलेट होती है और स्टिप्यूल्स जो हैं वो स्पाइंस के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। लीव्स स्टॉक्ड होती है, कोलाइन होती है, ब्रांच्ड होती है। इनका जो बेस है वो पल्विनस यानी कि स्वॉलन बेस होता है। अल्टरनेट इनके अंदर फिलोटेक्सी पाई जाती है और ये बाईपिनेट कंपाउंड लीव्स होती हैं। इस सब फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स सेंसिटिव होती है, जिसका एग्जांपल है जिनमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लीव्स पाई जाती हैं वो है नेपचूनिया ओलिवेसिया एंड माइमोसा पुडिका। लीफ लेमिना जो है वो रिड्यूस हो जाता है और लीफ स्टॉक जो है वो फ्लैट और चौड़ा होकर के फिलोड हो जाता है जैसे कि अकेशिया मेलेनोजाइना के अंदर देखने को मिलता है। देखिए ये है अकेशिया मेलेनोजाइना, इसके अंदर ये बाइपिनेट लीव्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और ये जो लीफ स्टॉक या रेचिस जो है वो चपटा और चौड़ा हो जाता है। बाद में ये जो है लीव्स ये एफीमेरल होती हैं, ये यहाँ से झड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो रेचिस है या ये जो लीफ स्टॉक है यही फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इन्फ्लोरसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरसेंस जो है इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे एकेशिया निलोटिका के अंदर राउंड कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है। ये है एकेशिया निलोटिका, इस टाइप का इन्फ्लोरसेंस जो इसके अंदर होता है, थैलेमस बहुत बड़ा होता है, उस थैलेमस के चारों तरफ लाइनिंग पे उसकी मार्जिन के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। डाइक्रोस्टेकिस सिनेर एरिया के अंदर रेसिमोस स्पाइक इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है। यह है रेसिमोस स्पाइक इन्फ्लोरसेंस जिसमें नीचे की तरफ जो है ऑल फ्लावर होते हैं, ऊपर की तरफ यंगर फ्लावर होते हैं। इसमें जो है ये इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है, इसमें आपको दो कलर के फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, येलो एंड पिंक। तो ये जो पिंक फ्लावर हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लोअर हाफ पर प्रेजेंट हैं। ये पिंक फ्लावर स्टराइल होते हैं और ऊपर की तरफ जो ये येलो फ्लावर देखने को मिल रहे हैं ये बाइसेक्सुअल और फर्टाइल फ्लावर होते हैं। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टीट होता है, ससाइल होता है, बाईसेक्सुअल होता है, टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और पेरीगाइनस टाइप की ओवरी इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कैलिक्स की बात करें तो जो सेपल्स हैं वो 4 या 5 होते हैं, गैमोसेपेलस होते हैं यानी कि आपस में फ्यूज होते हैं जैसे कि अकेशिया में देखे गए हैं, या फिर पॉलीसेपेलस होते हैं यानी कि फ्यूज नहीं होते। ऐसे सेपल्स जो हैं नेपच्यून या प्लेना में देखे गए हैं। माइमोसा जो हैं इसके अंदर 4 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से ऑब्लिकली अरेंज होते हैं। एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन जो है इसके अंदर अकेशिया के अंदर वेलवेट होता है इस टाइप का, जब एक भी
सेपल जो है एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करता, और पार्किया के अंदर होता है इम्ब्रिकेट इस टाइप का, जिसमें एक सेपल जो है पूरा अंदर, एक सेपल पूरा बाहर और बाकी एक अंदर और एक बाहर ओवरलेप करते हुए पाए जाते हैं। कोरला की बात करें तो पेटल्स भी 4 या 5 होते हैं, गैमोपेटेलस होते हैं जैसे कि अकेशिया में देखने को मिलते हैं, या फिर पॉलीपेटेलस होते हैं जैसे न्यूनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, यानी कि कोई भी पेटल एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करता। एंडोसियम की बात करें तो स्टैमल्स जो हैं इसके अंदर इनडेफिनेट होते हैं। अकेशिया में पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि सारे के सारे स्टैमल्स जो हैं फ्री होते हैं, और ज़्यादातर मेंबर्स के अंदर यही कंडीशन पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एबिजिया और पिथिकेलोबियम की, इसके अंदर स्टैमल्स जो हैं उनके अंदर मोनोएडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि स्टैमल्स के जो फिलामेंट हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोसर्पिस जो हैं इनके अंदर 10 स्टैमल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्रोकार्पस में सिर्फ 5 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। एंथेलोम अगेन डाइथिकस होता है, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, इंटरोज होते हैं यानी कि अंदर की तरफ पोलन को रिलीज करते हैं, एक्सर्टेड होते हैं, इसे कहते हैं एक्सर्टेड कंडीशन। इस तरीके से जो गैमोपेटल स्ट्रक्चर होता है उसमें से स्टेमेंस बाहर जो हैं यह इस तरीके से निकले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो डहिसेंस पाया जाता है एंथेलॉप्स के अंदर वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। गाइनोसियम की बात करें तो ओवरी जो है मोनोकार्पलरी होती है, यानी कि एक अंडपी होती है, ओवरी सुपीरियर या हाफ इंपीरियर होती है। सुपीरियर का मतलब ओवरी जो है सबसे ऊपर, और फ्लावर के जो अन्य जो जितने भी साइकिल होते हैं फ्लोरल साइकिल, वो जो सारे के सारे जो हैं वो नीचे से निकल रहे हैं। हाफ इंफीरियर के अंदर ओवरी जो है हाफ एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, और बाकी के जो पार्ट हैं वो ऊपर से निकले हुए होते हैं। इसके अलावा इनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट एंड सीड की बात करें तो फ्रूट्स फेबेसी फैमिली है, इसलिए लेग्यूम होता है। ज़्यादातर इनके अंदर लोमेंटम पॉड पाई जाती है। लोमेंटम पॉड वो होती है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं, हर एक सीड के बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मूंगफली में हम देखते हैं उस तरीके की लोमेंटम पॉड जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। सीड्स जो हैं इसके नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं पिथिकेलोबियम की तो इसके अंदर फ्रूट में एरिल पाया जाता है जो कि एडिबल होता है, और इस प्लांट को हम जंगल जलेबी कहते हैं। जो बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर का, उसके अंदर भी ये पिथिकेलोबियम यानी कि जंगल जलेबी पेड़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल की बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेशन इनके अंदर पाया जाता है। यह है इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल फॉर्मूला। यह है अकेशिया निलोटिका, इसके अंदर हम देखें ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट। जब इस तरीके की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या सममित, ठीक है। इसके बाद में जब के 5 लिखा है, इसका मतलब 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं, जो कैसे हैं जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो होते हैं गैमोसेपेलस। सी अगेन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5 पेटल्स एंड गैमोपेटेलस। एंड्रोसियम यानी कि स्टैमल्स जो हैं इनडेफिनेट होते हैं, यहाँ पर ये स्टैमल्स इनडेफिनेट प्रेजेंट हैं, इनके बाहर किसी भी तरीके का ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे स्टैमल्स यहाँ पर फ्री होते हैं। और ये बीच में यहाँ पर ये है जायांग यानी कि गाइनोसियम, जिसमें हम ओवरी का एलएस लगाते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मोनोकार्पलरी यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये है माइमोसा पुड़ी का यानी कि छुई मुई पादप। इसमें देखें तो BR, ये जो है ये BR के लिए चित्र बनाते हैं, यानी कि सहपत्र उपस्थित ब्रैक्टिएट। इसके बाद ये जो है ये है अगेन त्रिज्या सममित। ये स्ट्रक्चर जब हम ये साइन जब बनाते हैं इसका मतलब होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। K4 यानी कि इसके अंदर सेपल्स जो हैं वो 4 होते हैं। गैमोसेपेलस कंडीशन देखिए, यहाँ पर एक दूसरे से फ्यूज हैं ये सारे के सारे सेपल्स। अगेन जो कोरोला है, कोरोला यानी कि जो पेटल्स हैं वो 4 हैं और एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, यानी कि पॉलीपेटेलस कंडीशन देखने को मिलती है।
एंड्रोसियम यानी कि स्टेमस जो हैं इसमें चार प्रेजेंट होते हैं, गाइनोसियम मोनोकार्पलरी यूनिलोक्युलर एंड सुपीरियर होती है। इसके बाद मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स जो हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूज़ होते हैं। टिम्बर्स एंड फ्यूल वुड के अंदर जो मेंबर्स माइमोसिडी के काम में आते हैं वो है अकेशिया सेनेगल यानी कि जिसे कुमटा या गम अरेबिक कहते हैं, अकेशिया नेलोटिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसे खेजड़ी कहते हैं, एल्बिजिया सिरस, एडनोथेरा पेवोनियाना, जाइलिया डोलाबिनिफॉर्मिस जिसे इंडियन आयरन वुड कहते हैं। गम यील्डिंग प्लांट्स हैं अकेशिया सेनेगल जिसे गम अरेबिक कहते हैं और एल्बिजिया जिसे सिरस कहते हैं। केटेचू यानी कि अकेशिया केटेचू इससे कत्था प्राप्त होता है जो पान में लगाया जाता है। एडिबल प्लांट्स हैं इसके पिथे कैलोबियम डल से यानी कि जंगल जलेबी, नेपचूनिया ओलिरेसिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी कि खेजड़ी। टैनिंग यील्डिंग प्लांट हैं अकेशिया लिपोफ्लुया, अकेशिया डीकरेंस एंड अकेशिया नीलोटिका। इसके बाद है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, माइमोसा पुडिका यानी कि छुई मुई, एल्बिजिया लेबैक यानी कि सिरस, पिथे कैलोबियम डल से यानी कि जंगल जलेबी, कैलेंड्रा हेमेटोसिफेला, समेनिया सेमन यानी कि विलायती सिरस। परफ्यूम यील्डिंग प्लांट हैं एकेसिया फर्नेसियाना, इससे परफ्यूम बनाया जाता है। तो हमारे आज की इस टॉपिक के साथ फैबेसी की तीनों सब फैमिलीज भी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एंजियोस्पर्मिक फैमिली को पढ़ने वाले हैं, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।